गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं आज फिर से पॉलीफेगस पेस्ट में। आपके लगभग पेस्ट हो चुके थे, इसमें एक पेस्ट बचा है आपका पॉलीफेगस पेस्ट में, वो आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपकी जो एक कैटेगरी है पॉलीफेगस पेस्ट वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, कोर्स का टाइटल सबको पता है, डेली रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड फील्ड एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज की पेस्ट की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल हमने जो पेस्ट पढ़ा था रेड हेरी कैटरपिलर, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, आपने नहीं देखा होगा ढंग से, नहीं तो किसी ने किसी बच्चे का कमेंट जरूर आता। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। कल जो मैंने आपको लिखवाया था मैनेजमेंट रेड हेरी कैटरपिलर का, जो मैनेजमेंट मैंने लिखवाया था, किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके। उसके अंदर क्या है, कल ये जो क्वांटिटी मैंने लिखवाई थी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ क्या था कि उस टाइम हम क्या है, डस्ट यूज़ ली थी, है ना। यहाँ पर क्या लिया था, डस्ट यूज़ ली थी। डस्ट का मतलब क्या होता है, पाउडर। और लेकिन यहाँ जो मात्रा मैंने लिखवा रखी थी वो क्या है, बाई मिस्टेक मैंने आपको ml में लिखवा दी थी, है ना, मिलीलीटर में, लेकिन होती नहीं है। डस्ट किस में होगी, किलोग्राम में। तो ध्यान रखना, जो फोलिडोल डस्ट जो यूज़ की थी उसकी क्वांटिटी क्या है, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, गामा BHC 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और मेलाथियन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। बस इतना सा है, उसको चेंज करके करेक्ट कर लेना, ठीक है। आज का जो पेस्ट है हमारा वो है ग्रास होपर, ठीक है। क्या है, ग्रास होपर। तो इससे पहले हमने एक पेस्ट पढ़ा था लोकस्ट, टिड्डी जो है ना, टिड्डी जो है, ये टिड्डी जो है वो इसी ग्रास होपर का रूप है। होता क्या है कि ग्रास होपर क्या है, एक सिंपल है, मतलब इसका लाइफ साइकिल सिंपल होता है। और टिड्डी में क्या होता है, जो लोकस्ट होती है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उससे लाइफ साइकिल में दो फेजेज पाई जाती है, है ना। मैंने आपको बताया था एक सोलिटरी फेज होती है और एक ग्रेगेरियस फेज, बताया था ना। एक तो क्या होती है, सोलिटरी फेज होती है और एक होती है ग्रेगेरियस। होता क्या है दोनों में, इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी इसके इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या अलग अलग रहते हैं, लोकस्ट के जितने भी क्या है, जो भी कीट है वो क्या अलग अलग रहते हैं। और ग्रेगेरिस में क्या है, एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं, और यही फेज क्या है, ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में, ये जो अपने पढ़ रहे हैं ग्रास होपर, इसकी कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो लगभग मिलता जुलता ही है। इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की। तो साइंटिफिक नेम इसका याद रखना, हायरोग्लिफस बेनियान, ठीक है, हायरोग्लिफस बेनियान इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसकी एक्रीडिडी है, जो कि लोकस्ट की है, ठीक है, लोकस्ट और ग्रास ऊपर की फैमिली सेम है। इसके बाद बात करें इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्थोप्टेरा, वही ऑर्डर है। यहाँ मैंने आपको बताया था, आप ध्यान रखना, लोकस्ट और ग्रास ऊपर की क्या है, फैमिली दोनों की सेम है, लेकिन जो रेड हेरी कैटरपिलर कल पड़ी थी उसकी फैमिली क्या थी, इससे मिलती जुलती थी लेकिन अलग थी, क्या थी, आर्कटिडी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती है। अब बात करेंगे ऑर्थोप्टेरा की, अगर किसी ने लोकस्ट वाले पेस्ट को ढंग से पढ़ा हो तो सबको पता होगा क्या है इसकी, कौन सी स्टेज डैमेज करती है और लाइफ साइकिल कैसा होता है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर लेंगे। फर्स्ट तो क्या है इसका साइंटिफिक नेम की, आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ अगर किसी को याद नहीं रहे तो, हायरोग्लिफस बेनियान, तो क्या याद रखना है आपको, हायरे गले में फसगी बनियान, ठीक है, ये तो याद रह जाएगा, ठीक है, हायरोग्लिफस बनियान, हायरे गले में फसगी बनियान, इसका तो याद रह जाएगा, बाकी पता नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, फिर है इसकी होस्ट प्लांट्स, ठीक है। होस्ट प्लांट ये क्या है, सबसे पहले कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं अपने, पॉलीफेगस पेस्ट। तो पॉलीफेगस पेस्ट का मतलब ही क्या है कि उसका फिक्स होस्ट प्लांट नहीं होता है, ऐसा इस कंडीशन में है। ये क्या है, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं सबके ऊपर क्या है, डैमेज करता है सबको। ये क्या है, बाइटिंग और चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, लीव्स वगैरह को ये क्या है, खा जाते हैं ना काट के। तो होस्ट प्लांट कोई फिक्स नहीं है इसका, पॉलीफेगस पेस्ट है, बस ये लिखना आपको। फिर बात करेंगे इसकी नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है। तो नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे, तो नेचर ऑफ डैमेज में हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, कौन से ऑर्डर का है, ऑर्थोप्टेरा। लोकस्ट में भी आपने यही चीज़ पढ़ी होगी, है ना। तो ऑर्थोप्टेरा में क्या होता है कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगी, सिर्फ तीन ही स्टेज होती है लाइफ साइकिल के अंदर, इसके तीन स्टेज होती है,
ठीक है। अब तीन स्टेज कौन कौन सी होती है, एग, निम्फ और एडल्ट। तीन स्टेज होगी तो यही होगी, अगर चार होगी तो क्या होगा, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो तीन स्टेज होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, और डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है इसकी, निम्फ और एडल्ट, यानी कि जो शिशु और एडल्ट जो प्रौढ़ कीट है दोनों ही क्या है, नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसमें नुकसान होता कैसे है इसका, सबसे पहले क्या होगी, एगलिंग वैसे ही जैसे लोकस्ट की पड़ी थी कि जहाँ भी नम मिट्टी दिखाई देगी इसकी मादा क्या है वहाँ पे एगलिंग करेगी, और एगलिंग के बाद क्या है, जो निम्फ बाहर निकल के आते हैं, जो शिशु निकल के आते हैं, वो क्या करते हैं, आसपास के जो भी वेजिटेशन है, जो भी प्लांट्स है, उनके ऊपर डैमेज स्टार्ट करता है। अब डैमेज जो शिशु है वो क्या है, इसकी सबसे ज़्यादा डैमेजिंग स्टेज मानी जाती है, और सबसे लंबी जो इसके लाइफ साइकिल की सबसे लंबी जो स्टेज होती है वो क्या होती है, निम्फी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, तीन चार बार मोल्टिंग होता है, उसके बाद क्या है, प्रौढ़ कीट निकल के आता है, नुकसान दोनों ही करते हैं, और इसमें क्या होता है, सिर्फ ग्रेजुअल इंक्रीज होता है बॉडी में, जैसे हमने पढ़ा कोलियोप्टेरा में, या कोई भी जिसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो, यानी लाइफ साइकिल में चार स्टेज हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले एग होगा, एग से फिर जो लार्वा निकलेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से एडल्ट। तो इसके दौरान आपने देखा होगा कि उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या है, अब कल जो हमने पढ़ा था रेड हेरी कैटरपिलर, उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो कैटरपिलर जो होता है या लार्वल जो स्टेज होती है वो कैसे होती है, ऐसे होती है ना, कैटरपिलर होती है, लेकिन इससे जो एडल्ट बनता है वो क्या है, बटरफ्लाई लाइक, है ना, तो ये क्या पूरा चेंज हो जाता है, ऐसा ही कोलियोप्टेरा में था। लेकिन यहाँ क्या होता है, इस कंडीशन में सिर्फ ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब क्या है, सिर्फ बॉडी साइज में चेंज आता है और कोई चेंज नहीं आता, आपको निम्फ भी देखने को वैसा ही मिलेगा और वैसी ही बॉडी स्ट्रक्चर किसकी होगी, एडल्ट की, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ साइज में डिफरेंस होगा, प्लस क्या है, जैसे निम्फ जो है उसकी स्टार्टिंग स्टेज में विंग्स नहीं होती और एडल्ट में बाद में विंग्स आ जाती है। तो चलिए बात करेंगे एक एक करके, तो इसके बाद बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो इसके लाइफ साइकिल में क्या है, कितनी स्टेज होती है, तीन होती है, ये तो फिक्स है ना, एग, निम्फ और एडल्ट। अब बात करेंगे सबसे पहले एग की, है ना, तो एग में हमें क्या ध्यान रखना है कि एगलिंग होती कैसे है ना स्टार्टिंग से, तो क्या देखेंगे सबसे पहले कि जो फीमेल जो होती है ना, फीमेल जो होती है जिसको क्या है एगलिंग करनी है, वो क्या करेंगे सबसे पहले, मैं आपको बता दूं, रिप्रोडक्शन के बाद ना, मेल फीमेल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, जो भी एगलिंग होगी वो एगलिंग की प्रोसेस क्या होती है, मान लो ये सॉइल है, कोई भी मिट्टी है ना, ये लेयर है मिट्टी की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो किस प्रकार की मिट्टी को चूज करते हैं, जो कि हल्की सी जिसके अंदर नमी हो, है ना, जो भी नम मर्दा होती है उसके अंदर एगलिंग के लिए क्या है प्रेफर करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगी, ये मान लो कोई भी होगी आपकी सॉइल की लेयर होगी, इसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इस लेयर को, अब कोई भी फीमेल आएगी वो इसके ऊपर, है ना, ये जो सॉइल है इसके लेयर के ऊपर आने के बाद क्या करेगी, उसका जो गोनोपोर जो होता है, गोनोपोर किसको बोलते हैं, जहाँ से वो क्या है एगलिंग करती है, वो पार्ट जिससे क्या है एगलिंग करती है जो फीमेल होती है ना, वो क्या करती है अपने गोनोपोर को इसके अंदर इंजेक्ट करके सोइल के अंदर, है ना, मान लो यहाँ स्टार्ट कर रही है वो, ठीक है, यहाँ वो एगलिंग करना चाह रही है, तो ये क्या करेगी, यहाँ उसको एक बार क्या है पिन करने के बाद वो क्या करेगी, अपना जो हेड होता है उसको ऐसे रखती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसके बाद क्या है यहाँ ऐसे राउंड लगाती है ना, चक्कर लगाती है, चक्कर लगा के क्या होता है इसका जो गोनोपोर है उसको घुमा के क्या करती है सोइल के अंदर एक ऐसे क्या है होल बना देती है, ठीक है, होल बना देती है, ये जो होल होता है इसको क्या बोलते हैं एग चैम्बर, क्या बोलते हैं एग चैम्बर, ये हो गया एग चैम्बर। अब ये जो एग चैम्बर है इसके अंदर क्या करती है वो एगलिंग करती है, ठीक है, इसके अंदर क्या करेगी, यहाँ एगलिंग करेगी, इसके अंदर एगलिंग कैसे की जाती है, ग्रुप के अंदर की जाती है, ठीक है, ग्रुप के अंदर, यानी कि एक साथ ग्रुप में एग्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एक जो ग्रुप होता है, ठीक है, एक जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या है लगभग 40 के आसपास 40 के आसपास एग्स दिए जाते हैं, और ये जो एक ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं एग पॉड, ऐसा ही लोकस्ट में था, इसको क्या बोलते हैं एग पॉड बोलते हैं, ठीक है, एक जो ग्रुप होता है इसके अंदर लगभग 40 से 50 के आसपास एग्स रहते हैं, तो ये क्या करेगी,
अपने जो यहाँ इंजेक्ट करने के बाद क्या है, इसको एगलिंग करेगी 40 से 50 के आसपास, ठीक है। ये क्या हो गया, एग पोर्ट। अब इसको क्या करती है, वो एक लिक्विड की सहायता से, है ना, एक लिक्विड को सीक्रेट करती है, जिसकी सहायता से क्या है, इसको कवर कर देती है, पूरा सीमेंटेड कर देती है ना, जिससे क्या है, इसको फिजिकल लॉस ना हो कोई। तो इसको बाद यहाँ क्या करेगी, इसको पूरा ग्रुप जो है इसको कवर कर लेगी। कवर करने के बाद क्या है, वो सेफ रहता है। उसके बाद इससे क्या है, निम्फ बाहर निकल के आते हैं। एक जो फीमेल होती है वो अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर लगभग 15 से 20 तक एग पॉड बनाती है, यानी कि 15 से 20 एग पॉड बनाती है, और एक एग पॉड के अंदर क्या होते हैं, 40 से 50 एग्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बात एग की। कलर की बात करें एग्स, तो एग्स क्या होता है, जो राइस का जो सीड होता है ना, चावल का जो दाना होता है, उसके समान होता है एक एग। और ये पहले तो क्या होता है, लाइट येलो कलर का, ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है, जो बाद में क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग जो स्टेज है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे निम्फ की, तो एगलिंग कैसे करती है फीमेल, पता चल गया। तो एग जो है, एग में बात करेंगे, हमने पढ़ लिया एग चैम्बर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एगलिंग करती है। गोनोपोर मैंने आपको बता दिया, जो उधर का लास्ट जो खंड होता है ना, इसके एब्डोमेन का लास्ट जो खंड होता है, उसको बोलते हैं, जहाँ से एगलिंग करती है वो, है ना, जिसके थ्रू, तो उसको सोइल के अंदर क्या है, इंजेक्ट करके और राउंड लगाती है ना, पूरा चक्कर लगा के उसके अंदर क्या है, फिर एगलिंग की जाती है। और 40 से 50 के आसपास एगलिंग की जाती है, ग्रुप में एगलिंग होती है, उसको क्या करती है, वो सीमेंटेड कर देती है, कवर कर देती है। और एक जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, एग पॉड। और एक एग पॉड के अंदर क्या है, सॉरी, एक लाइफ साइकिल में एक फीमेल क्या है, 15 से 20 एग पॉड देती है। अब कलर मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में क्या होगा, लाइट येलो, और बाद में ये हो जाएगा डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है इसका निम्फ, जो सेकंड स्टेज है वो क्या है, निम्फ। तो निम्फ में क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग में एग से जो बाहर निकल के आएगा, ठीक है, एग से जो भी कीट बाहर निकल के आएगा, है ना, वो क्या होगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टार का जो भी ये लार्वा निम्फ जो है ना। तो ये निम्फ स्टार्टिंग में, इसमें क्या होता है, विंग्स नहीं होती, ठीक है, विंग का डेवलपमेंट नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होते हैं, ये उड़ने में सक्षम नहीं होते, ठीक है, ये उड़ नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, ये जंप करते हैं, ठीक है, ये जंप करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर क्या है, जंप करते रहते हैं, ठीक है। जंप के थ्रू ही क्या है, दूसरे प्लांट पर जाकर वहाँ का नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका निम्फ का। फिर क्या होता है, इसके बाद मोल्टिंग होगी इसमें, ठीक है। अब मोल्टिंग होगी, तो मोल्टिंग होने के बाद जो सेकंड इंस्टार का या सेकंड स्टेज का जो भी निम्फ बाहर निकल के आएगा, उसके अंदर क्या होगा कि विंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हल्के हल्के जो क्या है, विंग का बेस दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे मोल्टिंग होती है, तो एडल्ट में बदलने से पहले पहले क्या है, इसमें विंग का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। फर्स्ट में, स्टार्टिंग में जब हैचिंग होती है, एग से निम्फ बाहर निकल के आता है, तो उसके अंदर विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर बात करें इसके कलर की, तो इसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो। क्या होता है, ये लाइट येलो कलर का होता है। इसके बाद साइज इसका होता है लगभग 6 mm, 6 mm के आसपास साइज होता है, ठीक है। और 5 से 6 इसके अंदर मोल्टिंग्स होती है, ठीक है। 5 से 6 बार क्या होता है, त्वचा निर्मोचन होता है। ये क्या है, अपने जो पुरानी जो क्यूटिकल होती है उसको हटा के नई क्यूटिकल का क्या है, निर्माण करता है। ऐसे क्या है, ये जो स्टेज है ये 5 से 6 बार होती है। उसके बाद क्या होता है, एक कंप्लीट जो है एडल्ट बाहर निकल के आता है। सबसे लंबी स्टेज यही होती है, लगभग 9 मंथ के आसपास होती है, 9 महीने के आसपास का इसका जीवन काल होता है, जो निम्फ होता है। और इसके बाद क्या होता है, फिर एडल्ट स्टेज बाहर निकल के आती है। अब बात करेंगे एडल्ट की, तो नुकसान दोनों ही करते हैं, है ना, नुकसान तो दोनों ही करते हैं, निम्फ भी और एडल्ट भी। अब एडल्ट की बात करेंगे, तो इस निम्फ से क्या होगा, 5 से 6 मोल्टिंग होने के बाद क्या है, एक एडल्ट बाहर निकल के आता है। और बात करें साइज की, तो जो मेल एडल्ट जो होता है ना, मेल एडल्ट होता है, उसका साइज होता है लगभग 25 mm के आसपास, और फीमेल का होता है 37 mm के आसपास, ठीक है। फिर बात करेंगे कि इसका जो प्रोथोरेक्स होता है, इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स में, है ना, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, पता होगा सबको, कौन कौन से, हेड, थोरेक्स और
एब्डोमन, सिर, वक्ष और उदर। सुना होगा हिंदी में सिर, वक्ष और उदर। तो ये जो थोरेक्स वाला जो पार्ट है ना, थोरेक्स का जो पार्ट है या वक्ष जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, है ना। कौन कौन से में? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, है ना, तीन होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो इसका जो प्रोथोरेक्स वाला पार्ट जो होता है, यानी कि प्रोथोरेक्स वाला जो पार्ट होता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, मान लो ये प्रोथोरेक्स है ना, तो इसमें क्या है, यहाँ पे लाइनें होती है, तीन लाइनें होती है, थ्री लाइंस होती है। ये क्या है, इसका, इसकी पहचान है, ये इसका एक क्या है, करेक्टर है, जिससे हम इसको क्या है पहचान सकते हैं, एडल्ट की बात करते हैं, ठीक है, होगी तीनों स्टेज। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इसका लाइफ साइकिल, यानी कि ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि इसके लाइफ की स्टेज, ये दिख रहा है। सबसे पहले ये क्या है, एग, एग जो है ये कैसा है, चावल के दाने के अनुसार दिख रहा है आपको, जो है राइस ग्रेन जो होता है उसकी शेप का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। इससे क्या होता है, फिर निम्फ बाहर निकल के आता है, ठीक है। ये निम्फ जो है आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या होता है, सेम ही होता है जो एडल्ट होता है, वो भी ऐसा ही होगा, लाइट येलो कलर का होता है। और सबसे मेन बात क्या है, इसके ऊपर यहाँ विंग्स नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, ओपन स्पेस होता है, विंग्स नहीं होती। ये लिखा हुआ दिख रहा है, नो विंग्स, है ना, निम्फ जो होती है उसके ऊपर विंग्स नहीं होती। और जो एडल्ट जो होता है, इसी का बड़ा रूप है ना, एडल्ट में क्या होता है कि यही मतलब इसकी क्या है, सिर्फ बॉडी ग्रो होती है, ठीक है, साइज में वृद्धि होती है, प्लस क्या हो जाता है, विंग्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि दिखने में क्या है, निम्फ भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है और जो एडल्ट जो है वो भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है बॉडी साइज के अंदर, ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज, बाकी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। निम्फ के अंदर विंग्स नहीं होती और एडल्ट के अंदर क्या है, विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। तो मैंने आपको बताया कितनी स्टेज होती है इसमें, तीन, एग, निम्फ और एडल्ट, ठीक है, एग, निम्फ और एडल्ट। एग जो स्टेज है ना, एग के बाद क्या है, अब इसकी एक खास बात जो है वो क्या है कि एग जो स्टेज है ना इसकी, यही हमने लोकस्ट में पढ़ा था और यही इसी के अंदर, यानी कि एग जो स्टेज होती है ये क्या होती है, डाइपोज में रहती है। डाइपोज का मतलब समझते हो, सब बताया मैंने आपको, सुषुप्तावस्था जिसको बोलते हैं, सुषुप्तावस्था, है ना, यानी कि डोरमेंसी में रहती है ये। इसका होता क्या है सुषुप्तावस्था, सबको पता, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि जब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की जो भी सिचुएशन या कंडीशन है वो इनके लिए फेवरेबल नहीं हो, है ना, इनके लिए अनुकूल अगर वातावरण नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि बहुत कम अगर टेम्परेचर है तो क्या होता है कि ये अपनी बॉडी जो है उसकी ग्रोथ को रोक लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही अनुकूल वातावरण आता है तो ये वापस से क्या अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे हमने वाइट ग्रब में पढ़ा था, तो वाइट ग्रब में जो एडल्ट स्टेज है, प्रौढ़ जो अवस्था होती है वो डाइपोज में रहती है, ठीक है, सुषुप्त अवस्था में। लेकिन अगर बात करें इसकी ग्रास ऊपर या लोकस्ट की, तो इनकी क्या है, जो एग जो स्टेज होती है ना, जो अंडा वाली अवस्था होती है, यही क्या है, डाइपोज में रहती है, सुषुप्त अवस्था में रहती है। तभी तो एक चीज़ आपने देखा होगा, इसका मैं बता दूँ आपको कि क्या होता है कि जून जुलाई या बारिश का जो सीजन होता है उसमें क्या है, एग लेइंग करते हैं ये ना, लेकिन उसके बाद क्या है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि सर्दियाँ आ जाती है ना, सितंबर अक्टूबर के बाद क्या है, सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती है, तो सर्दियों के अंदर क्या होता है, विंटर सीजन के अंदर जब टेम्परेचर कम रहता है, तब ये क्या करते हैं, अपना जो ये एग है इससे निम्फ बाहर नहीं निकलता, ये क्या है, डाइपोज में चला जाता है। और जैसे ही बाद में वापस जब सर्दियों के बाद नया मौसम स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी हीट बढ़ती है वातावरण के अंदर, तो इनसे निम्फ बाहर निकलने लग जाते हैं, है ना। तो इसके जो है एग्स हैं वो क्या है, सोइल के अंदर पड़े रहते हैं। तो एग से क्या है, या 9 मंथ क्यों दिया गया है, ये डिपेंड करता है वातावरण के ऊपर, ठीक है, कंडीशंस के ऊपर। तो इससे लगभग 9 महीने तक ये क्या है, डाइपोज में रहते हैं, उसके बाद क्या है, इससे निम्फ बाहर निकल के आते हैं। अब जो निम्फ है, निम्फ का जो काल होता है वो कितना होता है, 70 से 80 दिन का, है ना, लगभग 2.5 से 3 महीने के आसपास होता है। इसके बाद क्या होगा,
कि इससे एडल्ट बनेगा, चीज़ वही है, उसके अंदर विंग्स नहीं होती निम्फ के अंदर, और एडल्ट के अंदर विंग का डेवलपमेंट हो जाता है। और इसके बाद एडल्ट यहाँ 7 दिन, ये क्या है, एडल्ट की लाइफ नहीं है, मैंने कल भी बताया था आपको, लाइफ नहीं है, यानी कि जो इनके जनन होने के बाद है ना, ठीक है, रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या है, 7 दिन बाद क्या करते हैं ये एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं, ये वो टाइम है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के 7 दिन बाद लगभग ये क्या है, एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड, ये क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ये मैंने आपको बता दिया, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, यानी कि ए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपूर्ण रूपांतरण, अपूर्ण रूपांतरण होता है बॉडी के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर 3 ही स्टेज होती है। फिर बात करते हैं जनरेशन की, तो इसके लाइफ साइकिल में क्या है, एक ही जनरेशन पाई जाती है, 1 साल के अंदर एक ही जनरेशन होती है। चलिए बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, अब तो मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट में क्या है, आपने अगर नेचर ऑफ डैमेज आपको किसी पेस्ट का पता है तो अपने उसका जो है मैनेजमेंट भी अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे अगर बात करें इसकी, तो इस क्या होता है, सबसे पहले तो क्या है, सोइल में एग्लेइंग करेगा, तो सोइल में एग्लेइंग करेगा इसका मतलब क्या है, इसके एग्स रहते हैं सोइल के अंदर और डाइपोज में भी रहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हम ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करते हैं तो उससे क्या होगा कि इनको आसानी से क्या है, ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट क्या है, डीप्लोइंग है ना, यानी कि ग्रीष्म काल में क्या होते हैं, इसकी डीप्लोइंग करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, इससे क्या होगा, जो एग है वो एक्सपोज हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हैंड नेट, यानी कि इसके जो निम्फ है, एडल्ट तो क्या है उड़ने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन निम्फ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा उड़ नहीं सकते, विंग्स नहीं होते, और प्लस एडल्ट भी है, दोनों को ही हम क्या है, हैंड नेट, या जिसको क्या बोलते हैं, स्वीप नेट, स्वीप नेट है, इसके थ्रू क्या है उनको आसानी से कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ सकते हैं इसके थ्रू, और बाद में इसको मार सकते हैं, और लाइट ट्रैप, लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं ना, जैसा कि पहले बताया मैंने, लाइट ट्रैप का यूज़। फिर बात करते हैं डस्ट की, है ना, क्रॉप के ऊपर, ये निम्न में से कुछ डस्ट दी हुई है आपको, इनमें से किसी का भी क्या है, क्रॉप के ऊपर हम बुरकाव करते हैं, ठीक है, उसको छिड़कते हैं क्रॉप के ऊपर। तो फर्स्ट क्या है, मेथाइल पिराथियन है, इसकी 30 किलोग्राम जो है वो मात्रा लेते हैं, या कार्बेरिल 5% डस्ट है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा, ये क्या है, प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। इसके बाद बात करें, फेनिट्रोथियन है, 5% डस्ट काम में लेते हैं, या फिर मेलाथियन की 5% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या है, इनका बुरकाव किया जाता है। फिर बात करें फोलियस स्प्रे की, यानी कि जो पत्तियां हैं, ये तो हो गया डस्ट, अब बात करते हैं स्प्रे की, कि कुछ केमिकल्स हैं जिनका स्प्रे करके भी हम क्या है कि इसके बचाव किया जा सकता है। अब जिसे फर्स्ट हो गया गामा BHC, इसकी 20 EC जो है मात्रा काम में लेते हैं, 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर क्वांटिटी लेते हैं। मेलाथियन 50 EC और डाइक्लोरोवोस 76 EC, इनकी क्या है 500 ml मात्रा काम में लेते हैं, और ये किस में लेते हैं, लगभग जो है आपका 500 लीटर जो वाटर होता है ना, एक हेक्टेयर के लिए जो सफिशियंट है 400 से 500 लीटर जो वाटर है उसके अंदर मिला के इसको छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट। अब इसके बाद बात करें, एक चीज़ होती है NSK, है ना, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1% नीम का अगर घोल, जो उसका सॉल्यूशन बना के अगर घोल का छिड़काव किया जाए तो उससे क्या होता है, जो लीफ जो होती है उसके ऊपर एक परत बन जाती है, और इससे क्या है, इंसेक्ट वगैरह इसको फीड नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है पॉलीफेगस पेस्ट, है ना, पॉलीफेगस पेस्ट में आपके 5 या 4-5 जो भी पेस्ट थे वो पूरे हो चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपने एक एक करके जितने भी क्रॉप हैं उनके पेस्ट की, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, पढ़ते रहना, बाकी इसकी जो पूरी जो पॉलीफेगस पेस्ट है इसकी PDF जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, धन्यवाद।